आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना संकट काल का तोहफा छावनी परिषद के जन प्रतिनिधियों को मिल गया है। छावनी परिषद का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट में हुई पहली बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, ऐसा बताया गया है कि 50 बिंदु बैठक के दौरान रखे गए थे। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक कोरोना के चलते नहीं हो सकी थी। लंबे समय के बाद कोरोना संकट काल में पहली बार बैठक हुई। कोरोना संकट काल को ध्यान में रखते हुए बैठक सभागार में नहीं की गई, बल्कि बैठक खुले आकाश में घास के मैदान पर की गई। कोरोना संकट काल में हुई बैठक के दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर LN शाह, मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कपूर, छावनी परिषद उपाध्याय डॉक्टर पंकज महेंद्रू सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कोरोना संकट काल का फायदा भले ही किसी को ना मिला हो, लेकिन छावनी परिषद के जन प्रतिनिधियों को मिल गया है। छावनी परिषद का कार्यकाल पूरा हो चुका था। कोरोना संकट काल के चलते कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ ही 50 बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। मैं बात बैठक हुई कोरोना पैंडेमिक के दौरान और लॉकडाउन के दौरान बैठक नहीं हो पाई। फरवरी में आखिरी बार बैठक हुई थी हमारी, और आज काफ़ी प्रोडक्टिव और लंबी मीटिंग रही है। 50 मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ जनता से रिलेटेड काम। सबसे पहले तो मैं बोर्ड को बधाई देना चाहूँगी, इनके कार्यकाल का एक्सटेंशन आ चुका है। चुनाव 6 महीने के समय में नहीं हो पाए, पिछले 6 महीने के एक्सटेंशन में, तो अभी 10 अगस्त के बाद से एक्सटेंशन मिला है, या तो 6 महीने का या जब तक चुनाव होते हैं तब तक का। और आज की बैठक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, जैसे कि हमारा जो कंजर्वेंसी अग्रीमेंट है, जो हमारा सेवला ट्रेंचिंग ग्राउंड पर लेगेसी वेस्ट है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। छावनी परिषद को 3,50,00,000 रुपए मिले हैं, जिसे स्वच्छता और पेयजल पर खर्च किया जाएगा। CFC ग्रांट्स जो मैंने आपको बताया था कि हमें 1.35 करोड़ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिले हैं, उन फंड से जो हमको काम करवाने हैं वो सारे काम बोर्ड ने आज पारित किए हैं, और अब जल्द से जल्द हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। पब्लिक डेवलपमेंट वर्क हो पाएगा, क्योंकि ये फंड्स आए ही डेवलपमेंट वर्क के लिए हैं और एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस के लिए नहीं। छावनी परिषद एरिया में मोबाइल टावर की विकराल समस्या है। समस्या को दूर करने के लिए 12 टावर लगाए जाने हैं। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड की बैठक में रखा गया। इसके अलावा सेलोन व्हील का टेंडर कर दिया गया है, जो मोबाइल टावर लगेंगे छावनी बोर्ड की जमीन के अंदर 12 अलग अलग लोकेशंस पे, ये भी बोर्ड को अवगत कराया गया है। विकास कार्य में प्राथमिकता सफाई, यानी कि नाले वगैरह, और पानी, यानी कि जो पाइपलाइन बिछनी है और जो समरसेबल पंप लगने हैं, बोरिंग होनी है, उनके ऊपर है। साथ ही छावनी परिषद एरिया में असेसमेंट को लेकर चर्चा की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि असेसमेंट को कोरोना संकट काल के चलते शून्य करने की बात की गई है। राज्य सरकार से हमें कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हमने काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे हम एक्ट में संशोधन कराने के लिए, तो राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आया है। उसमें ये है कि हमें 1,43,00,000 हमें मिला है पहले फेज़ में, ऐसे ही 3 फेज़ में पैसा मिलेगा। वो पैसा खाली आया है स्वच्छ भारत के लिए, मतलब सैनिटेशन के लिए और वाटर सप्लाई के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम छावनी में इन 6 महीनों में घर घर में गंगा जल दे दें पानी की पाइपलाइन बिछा कर, और दूसरा नाली और लैट्रिन्स को सही कर दें। ग्वालियर रोड स्थित शक्ति नगर का मामला था। डॉक्टर GS धर्मेश का कहना था कि शक्ति नगर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को ही मालिकाना हक दे दिया जाए। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कपूर ने बताया कि वो जमीन छावनी परिषद की जमीन है, लोन का भुगतान भी छावनी परिषद द्वारा किया गया था, ऐसे में मालिकाना हक देना गैर जरूरी है। कोरोना संकट हर तरफ घाटे का सौदा साबित हुआ, लेकिन छावनी परिषद के जनप्रतिनिधियों के लिए कोरोना फायदे का सौदा साबित हुआ। छावनी परिषद का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, 6 महीने और बढ़ाए जा सकते हैं। कोरोना के चलते बैठक नहीं हो पाई थी, पहली बोर्ड की बैठक हुई, पहली बोर्ड की बैठक में छावनी परिषद को कोरोना का तोहफा मिला, 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके चलते छावनी परिषद के जनप्रतिनिधि बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। बैठक के अंदर तमाम सारी चर्चाएं की गई, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई, प्रदेश सरकार द्वारा दी गई धनराशि को किस तरीके से विकास कार्यों में लगाना है इस बात पर भी चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कोरोना का छावनी परिषद के जनप्रतिनिधियों को हुआ,
क्योंकि कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।